दोनों के दोनों बहुत ज्यादा गुस्से में, और ले टकले के सर पे मार दिया, टकला उड़ा दिया, ओ आसमान के ऊपर आ गया, ले तेरी ले तेरी ले, ले। ओ टकला गया यहाँ पे, डेड हो चुका है। अबे जब जिंदा था ना तो ये भाग गया था दूर। तो यार हम सभी लोगों ने ना एवेंजर्स मूवी तो देखी है, पर उसके अंदर एक कैरेक्टर जो होता है जो बिजली का देवता होता है, वो है थॉर। और भाई मैं आज वो गेम खेलने जा रहा हूँ जिसने थॉर को ही मारा है, उसका पूरा एसगार्ड उसने तबाह कर दिया है। और भाई आज हम वो वाला गेम खेल के देखने वाले कि भाई क्या पावर है भाई कैरेटोस की। ये इस भाई की कोई स्टोरी चल रही है, ये पेड़ पे ध्यान लगा रहा है मुझे लग रहा है, इस पेड़ से इसका कुछ पुराना नाता है। भाई ये बंदा ना अभी कर रहा है पेड़ की पूजा, पूजा कर रहा है या फिर सम्मान दे रहा है, पता नहीं कुछ कुछ तो कर ही रहा है। अच्छा ये हाथ के फुटप्रिंट्स लगा रहा है, पर भाई इस बंदे की बॉडी देखो यार, कितनी ज्यादा बॉडी है यार इसके, इसको तो WWE में होना चाहिए था, ये यहाँ पे गेम में क्या कर रहा है। पर वेट ओ अबे तेरी, मुझे लगा भाई पूजा करेगा पेड़ की, पर ये तो पेड़ ही काट रहा है लगता है। इसके ना घर में ना खाना नहीं बना 2 दिन से, और लकड़ियों की ना बहुत ज्यादा कमी होगी। तो चलो भाई इसने पूरा पेड़ काट दिया यार, इसको 2 रोटी बनानी होंगी और इतना सारा पेड़ काट के ले जाएगा। लगता है कहीं भंडारा तो नहीं करवा रहा भाई ये, अगर भंडारा करवा रहा होगा ना भाई तो इतना पेड़ इसके लिए कम पड़ जाएगा, ज्यादा नहीं पड़ेगा कम ही पड़ जाएगा। लो भाई इसकी पट्टी खुल गई है यार, इतना बड़ा पेड़ ही काट दिया उसने, देख रहे हो तुम लोग। चलो कोई बात नहीं, लगता है इसकी जो कुल्हाड़ी है ना वो कुछ ज्यादा ही ताकतवर है, इसी ने थॉर को मारा है, अभी तुम लोगों को प्रूफ दिखाऊंगा। Get in the boat, boy. और मुझे तो लग रहा है उसी की सारी पावर्स ले आया है ये, मेरे को एक्चुअल स्टोरी नहीं पता, पर ठीक है मेरे को गॉड ऑफ वॉर खेलने का बहुत ज्यादा मन था तो मैं गॉड ऑफ वॉर खेल रहा हूँ। तो भाई इस बॉडी वॉर्डर अभी करने के वाला ये, अबे तेरी तो भैंस का बच्चा तो पूरा पेड़ का पेड़ ही उठा के ले जा रहा भाई। और ये कौन है बे छोटा सा टिंकू, ये कौन है बे, हेल्पर है क्या, काम वाली भाई है। अबे इसका लौंडा लग रहा है मेरे को भाई, कुछ तो खतरनाक सीन है। अब ये क्या कर रहा है, इस पेड़ को रख के क्या होगा, कुछ तो बहुत तगड़ा करने वाला है भाई ये राक्षस सा इंसान जो दिख रहा है ना तुम लोगों को, इतना हट्टा कट्टा सा, इसने भाई सारे जितने भी भगवान होते हैं ना इनने सबको मार दिया और एसगार्ड भी तबाह कर दिया, और अभी ये पता नहीं क्या ही करने वाले हैं। तो अभी फाइनली ये बोट में तो आके बैठ गया है और अब मुझे पूरा कंट्रोल करना पड़ेगा इसको। तो अभी चलते हैं अपनी बोट को लेके जिस डायरेक्शन में बोला जाएगा अपने को, तो चलते हैं। और भाई व्यू तो एकदम मैक्स लेवल हो रखा है, ये इसका बच्चा है ठीक है। Everything is different, boy. Try not to dwell on it. जितना मुझे पता है इसकी स्टोरी कि इसमें करने क्या वाला है, अपने बच्चे को ना ट्रेनिंग देगा क्योंकि इसका तो रिटायरमेंट का टाइम आ गया है और जो इसके दुश्मन है वो बहुत ज़्यादा है, तो ये अपने बच्चे को कुछ ट्रेनिंग व्रेनिंग देगा जिस वजह से वो आगे जाके फाइट वगैरह कर पाए। और ये तो पेड़ वही आ गया, ये तो वही पेड़ है भाई। अब चोरी एक बोट से पेड़ को भी साथ में खींच लाया गया है भाई, खतरनाक बंदा है ये, इसका एक भी डोले में ना फर्क नहीं पड़ रहा, देख लो कि कुल्हाड़ी तो अच्छी है वैसे। वैसे थॉर के पास भी अपने एक बार कुल्हाड़ी आई थी अगर तुम लोगों ने एवेंजर्स देखे हो। पर चलो अभी फिलहाल चलते हैं सीधा, देखते हैं कि भाई क्या करना है अपने को, और शायद खाना वाना पकना है या भंडारा हो रहा है जो भी हो रहा है, देखते हैं इस पेड़ का काम क्या है जो हमें इतनी मुश्किल से हमने काटा है, पूरी जान लगा दी थी इस पेड़ को काटने में भाई। और अभी यहाँ पर मेरे को एक घर दिख रहा है यार, मेरे को भंडारे में आए हुए लोग तो लग ही नहीं रहे,
अच्छा अभी खाना बन रहा होगा क्या पता। ये देखो भाई ये भट्टी, हाँ ये तो भट्टी है। That was the last. चलो भाई ओ ये भाई कहाँ जा रहा भगता हुआ, अंदर क्या है भाई, कितना तगड़ा गेट है भाई, कितना तगड़ा गेट है भाई। ओ ये कुछ हॉरर सीन होने वाला है क्या, कोई कौन बैठा हुआ है, ये कुछ तो गड़बड़ है, ये तो कोई मम्मी लग रही है भाई, क्या सीन है ये, या तो इंसान मरा हुआ भाई मम्मी की तरह लेटा रखा है इन लोगों ने। Oh shit, ये इसकी मदर है। I'm sorry. Hello there, do I see my father? Hello there, did they call to me? ये अपनी माँ से ना कुछ मांग रहा है या उसको बता रहा है। ओ कहीं एक सेकंड, ये जो वो लकड़ी लेके आए हैं कहीं ये बॉडी को, ऐसा तो नहीं होने वाला। चलो भाई, ओ तेरी भाई साहब आ गए, बच्चा रो रहा है, इसकी माँ को कुछ तो हुआ है भाई, जो इतना ज्यादा। She's ready. भाई इसकी बॉडी देखो यार, कितने एप्स निकाल रखे इस पे, एक दो तीन चार, चार एप्स निकाल रखे हैं, फुल बॉडी चमका रहा है। तो अभी फाइनली भाई मुक्ति देने जा रहा है अपनी वाइफ को, वरना इस वाले घर में अगर हमने इस बॉडी को छोड़ दिया तो कुछ समझ रहे हो ना, डरावना हो सकता है। तो अभी हम लोग बाहर लेके आ गए हैं। पिछले ज़माने में भाई मम्मी सोती थी भाई, पूरी लकड़ी उसने दो मिनट में काट पीट के रेडी कर दी, हम लोग अंदर जाके बस मोमबत्ती जलाई होगी, पर भाई साहब ने पूरी बॉडी देख रहे हो। अबे तेरी भाई को तो माचिस की भी जरूरत नहीं है भाई, टोरा है भाई का, देख रहे हो शक्ल ही देख के बंदा चार बार हक दे। इसकी जितनी मसल है ना ऊपर की उतनी तो मेरी नीचे की है। तो चलो अभी थोड़ी देर के लिए मौन व्रत रखते हैं अपन लोग। ये बच्चा तो कुछ हरकत करने वाला है, ये देखो, ये देखो कलाकार इंसान, हाथ जल गया ना इसका। I'm sorry. ओ भाई इसके पापा तो भाई बहुत ज्यादा कलाकार है भाई, पट्टी बैंडेज सब साथ रखता है भाई बंदा। चलो भाई ये इसको गिफ्ट में मिल गया, अभी अपने पास रखेगा इसको हमेशा, ये इसकी मम्मी की आखिरी निशानी भी कह सकते हैं। और ठीक है अभी इसको ये चक्कू ना लड़ने में इसका साथ देगा, ड्रैगन को अभी चक्कू से मारेगा एंड जो भी आएगा उसको ये मारेगा। तो अभी ये बच्चा अंदर की तरफ जा रहा है और ये शायद वहीं जाके सो जाएगा, या इसको डर लग रहा है, पर इसे कुछ मंगाया है, ये कुछ लेके आएगा अभी, ये भाई सोच में पड़ा हुआ अभी तक। वो लेके आया ये, इसको एक डियर मारना है, हंटिंग करनी है, समझ रहे हो, मतलब वो से भाई। okay, this way. You are hunting deer, not chasing चलो, it. चलो भाई हम लोग निकल गए अपने सफर की तरफ और हमें मारना है एक हिरन, तो लेट्स गो। और यहाँ पर अभी एक ब्रिज, तो ये ब्रिज टूट कैसे गया, अच्छा इसको हमें ही खोलना पड़ेगा। चलो ठीक है, यहाँ पर भाई पूरा रास्ता साफ हो गया है और अभी बच्चा तो चला गया आगे की तरफ। ओ तेरी, चलो आगे की तरफ चलते हैं,
ऐसी थोड़ी थॉर को मार रहा भाई, हल्के में ले रहे हो क्या? डियर आ गया, डियर आ गया भाई, आ गया हिरन, आ गया हिरन, आ गया। ओए व्हाट आर यू डूइंग नाउ, इट्स गॉड इज अप ओनली फायर। भाई बच्चा ना बहुत ज्यादा जल्दी में था इसलिए वो डियर निकल गया। अब इसके जो फादर है भाई इस पे चिल्ला रहा है बहुत बुरी तरीके से। डू नॉट बी सॉरी, ये सॉरी भाई कभी नहीं चलता, बता रहा हूं तुम लोगों को मैं अभी। फाइंड इट, इतनी बड़ी गलती हो गई, हमने हिरन छोड़ दिया भाई, अब इसको बो नहीं दी जा रही। खोजो, अब इसको खोजना पड़ेगा उसको, तभी मिलेगी इसको बो। इतना ज्यादा जल्दी में था ना ये बंदा, जैसे हिरन को देखते ही निशाना लगा देगा। ओह शिट, वेट, नहीं, वो अपनी बो मांग रहा, उसको बो नहीं दे रहे, इसको तो हम ही मारेंगे। चलते ही यहाँ पिता, अभी तेरे पिताजी जिंदा है तो टेंशन मत ले। और तेरी पिता, ये मॉन्स्टर है क्या है भाई? ग्लेशियर है मेरे पास, ग्लेशियर शॉट। ऑल राइट, तो अभी यहाँ पर दो बंदे और मेरे सामने आ गए। ले तेरी, चल तेरी पिता, चल। वो भाई कैसे हैं, जिंदा ही हुए जा रहे हैं, मर ही नहीं रहे। अगर एक को मारो एक जिंदा हो जाता है, दूसरे को मारो दो जिंदा हो जाते हैं। तो अभी हम लोगों ने इन लोगों को निपटा तो दिया है, और उसको अभी तक अभी ने वो वापस नहीं करी है, क्योंकि एक बार उसने गलती कर दी ना भाई, ड्रैगन को नहीं मारा। तो ऐसे बार बार हम गलतियों का मौका नहीं दे सकते उसको। डियर मिल गया, दोबारा से मिल गया हिरन, और अंदर के टेंपल के अंदर चला गया वो। We do what we please, अबे तेरी यहाँ तो no गेट लग रहा है, गेट कौन खोलेगा? अबे भाई इसको तो चाबी की भी जरूरत नहीं है, तो हाथों से ही सब खोल देता है। कोई तो आ रहा है। Can I have my bow back now? बो मांग रहा दोबारा से। Hit it from here. एक झापड़ पड़ेगा, बो भी मिल जाएगी तेरे को। We should get closer. चलो अभी हम लोग जा रहे हैं सीधा हिरन ढूंढने के लिए। तो चलो यार, अपनी एक्स हमारे हाथ में आ चुकी है, एंड चलते थोड़ा आगे की तरफ, और ये बच्चा देखते हैं लेके कहाँ जाएगा। इसमें अपनी माँ की लगता है कोई शक्ति है, और ये पूरा रास्ता मुझे लग रहा है इसको याद है। अरे यार हम भी उसके बाप है यार, हमें सारा कुछ नॉलेज है। चलो देखते हैं पहले आगे की तरफ, चलते रहते हैं। आवाजें आ रही है, मुझे कोई आया है क्या? ओह शिट मैन, एनिमीज आ गए यार, ये बड़े बेकार बंदे हैं ये। एक को मारो चार आते हैं। चलो कोई बात नहीं, अभी जितना, अबे तेरी वैसी टैट, चल तेरी वैसी। अबे यार मैंने चश्मा पहन लिया क्या अंधेरे में? अबे यार मैंने लगता रात में काला चश्मा पहन लिया, मुझे दिख नहीं रहा, मैं खाली तलवार चला रहा। हाँ तेरी, चल चल तेरी वैसी टैट। ऑल राइट, तो अभी एक फिर जितना होगा। अबे भाई दशहरा नहीं आया, और अब इसे मैं क्या कर रहा हूँ। अबे और आए क्या? और आए। अबे यार एक को मारो चार जिंदा होते हैं। चलो अभी यहाँ पर सबको ख़त्म कर दिया है, एंड अभी इस चेन को हमें खींचना पड़ेगा, जिस वजह से वो दरवाज़ा खुल जाएगा। मिस्ट्री से भरा हुआ है पूरा गेम। चलो यहाँ पर गेट तो खुल गया है, और अभी हमें फ्रीज भी करना पड़ेगा गेट को। तो कुल्हाड़ी फेंक के मारते हैं और चलते हैं। एक्स हमारी ऊपर ही अटक गई है, और अभी हमें आगे की तरफ जाना है, और अपनी एक्स बुलाने का अच्छा टाइम था। तो भाई अभी बच्चा तो पूरा भाग ही जा रहा है, उसको वो हिरन आज मारना है किसी भी कीमत पे। तो चलते रहो भैया, चल रहे हैं हम भी तुम्हारे साथ, हम उसको ट्रेनिंग दे रहे हैं बेसिकली। ओहो अब इसको बो दी जा रही है, क्या बात है। जब हम तुम्हें बताएंगे तुम्हें तभी चलानी है। ये कोई AKM नहीं है जो ऑटो पर चला दी। रुको, तसल्ली करो, आराम से अपने एम को लगाओ और पी लो। भाई ऐसा अच्छा ही लग रहा ना, कुछ डियर के तो सुंदर सा लग रहा है ना हिरन। तुम्हारा भाई होता ना मारने की जगह ना उसे कैद कर लेता, पर भाई ये राक्षस है, सबको मारता है ऐसे, बहुत बेकार है बाप। लेट्स गो, अभी वहां पे हिरन मार दिया हम लोगों ने। बच्चा तो कूद फाद के तुरंत पहुंच जाता है। भाई कितना सुंदर हिरन है यार ये,
ग्लेशियर वाला हिरन है ये तो। ओ इसका चक्कू निकलवाया है, क्या करेंगे? No. Oh, wait. Finish what you started. What the fuck? ये कहीं मारने तो नहीं वाले इसको? भाई बहुत ज्यादा गड़बड़। अब यार इतना सुंदर हिरन मार रहे हैं ये लोग यार, मेरे को तो बड़ा बेकार लग रहा है, पर क्या करें हमें तो मारना ही पड़ेगा। भाई बच्चे ने मना कर दिया, पर इसका बाप बहुत आरामी है भाई, ऐसी थोड़ी उसने सारे भगवानों को निपटाया। चलो मैटर इज ओवर। खून देख रहे हो तुम लोग, कुछ कार ही देखे भी। ओ गॉड इसको कितना पेन हो रहा होगा यार। ये बच्चा देख रहे हो तुम, बच्चे बहुत बेकार होते हो। चलो कोई बात नहीं, आज रात खाने में हिरन बनेगा इनके, हमारे नहीं। चलो निकलते हैं यहाँ से, आगे की तरफ चलेंगे। अब दुख तो बहुत हो रहा है, एक काम करते हैं हम शांति रख लेते हैं, ये तो बड़े हरामी है दोनों के दोनों। कुत्ता चक्कू भी खींच लिया वह कभी ने। ओ शिट, ओ वेट अबे तेरी भैंस क्यों। अबे कुछ श्राप लगा था। अबे तो पत्थर वाला दानव निकल आया एक हिरन में से, वो एक ना राक्षस हिरन था, उसको श्राप मिला था। नहीं इस राक्षस को श्राप मिला था भाई, इसको हिरन में बना दिया था, जब कोई हिरन को मारेगा तब ये राक्षस निकल के आएगा, बड़ा टफ हो जाएगा इसको मारना। भाई कितना मोटा गेंडा था ये, चल तेरी भैंस की पैर। ओ पे पड़ गई बे, पत्थर मार दिया भाई, अरे तेरी भैंस की पैर। बहुत मार रहा भाई, बहुत मार रहा है, मैं तो ये पटक पटक के बहुत मार रहा है। ले तेरी, ले ले चाकू का, ये ले ये ले, चल ओ तेरी। अबे तेरी कितना मार रहा है यार, मेरी टकला फोड़ देगा भाई, बाल नहीं मेरी चांद पे, मेरी चांद पे बाल नहीं है भाई, मत मार। एक्स कहाँ गई मेरी भाई, मैं टकले पे पत्थर मत मारियो, टकले पे पत्थर मत मारियो, टकले पे पत्थर मत मारियो पे भाई। वो थोड़ी सी हेल्थ रह गई इसकी, थोड़ी सी हेल्थ रह गई, थोड़ी सी हेल्थ रह गई। लॉर्ड डाउन भी अपना बढ़िया है, ओके रिपोर्ट एकदम, और फाइनली यहाँ पे डेड हो चुका है। अबे जब जिंदा था ना तो ये भाग गया था दूर, अब उसमें चक्कू मार रहा है। पागल हो गया इसका बच्चा। Boy, look at me. Hello. Cool down bro, cool down. शांति शांति शांति। बच्चा पागल हो गया, मैंने एक हिरन मारा है, दानव कहाँ से पैदा हो गया? अभी भी बच्चा तैयार नहीं है। उसने हिरन को तो मार दिया था। बच्चा बोला तुम सही में बोल रहे हो? मैंने डियर को ढूंढा था। ओ हो हो हो, भाई ने अपनी सेल्फ प्रूफ करी थी। भाई को अब घर जाने के लिए बोला है और भाई बोल रहा है कि भाई मैंने अपने आप को प्रूफ करा है कि मैं हूँ एक योद्धा। पर नहीं, रेडी रेडी नहीं अभी भाई, अभी तैयार नहीं है। लेट्स गो दानव। चलो कोई बात नहीं, अभी पावर उठाते हैं और अपनी हेल्थ बढ़ लेते हैं और चलते सीधा आगे की तरफ। चल लौंडे, इसको मैं ट्रेनिंग देनी है, इसको ना हमें योद्धा बनाना है। हम तो यार प्रो प्लेयर है ही, तुम्हें पता ही है, 1v4 इजी कर देते हैं। और अभी तो तुम्हें पता ही है क्या ही हुआ था, ड्रैगन आ गया था जिंदा। ओ शिट, ये कौन सा दानव आया है भाई? ये कोई नए प्रकार का दानव आया है, ये एक्सपायरी में हुआ था। लेट्स गो, चलो भाई ये एक्स को इसको फेंक के मारे। एक में खत्म, क्या बात है, एक ही था क्या? मजा आया था, एक और होना चाहिए। चल तेरी तेरी ऐस की ऐस, कितना मजा आ रहा भाई सॉर्ड फेंक के मारने में। यार ये एक्स है, मैं बार बार सॉर्ड बोलता रहता हूँ, सॉर्ड की आदत हो गई है ना। चलो भाई खत्म हो गए क्या ये सब? खत्म, चलते हैं आगे की तरफ। और लो ये दो चार और पैदा कर दिए,
एक में खत्म भाई, एक्स में दम तो है। और आ एक, चल तेरी, चल ओ तेरी यार, क्या चल तू भी चल, चल जा जा, फाड़ दिया भाई इसको तो, फाड़ दिया तकड़ा, फाड़ दिया भाई। ओए स्नो वाइट, अबे पड़ी, ये ग्लेशियर वाला बंदा किसने बुला दिया भाई, ग्लेशियर सॉर्ड है इसके पास, ओपे पड़ी, फाड़ देगा ये तुम्हें। अबे शिट, मुझे लग रहा है कि जो हमारी एक्स है ना वो भाई ग्लेशियर है और ये बंदा भी ग्लेशियर है, तो इस पे ना कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो इसको मारा कैसे जाए, हाथों से? अबे तेरी, इसको हाथों से मारना था अपने को भाई, तो मैं सोच रहा था कि यार अपनी शॉर्ट भी ग्लेशियर की और बंदा भी ग्लेशियर। चलो मर गया, एक्स भी आ गया हमारे पास। चलो लेट्स गो, आगे की तरफ चलते हैं, ऊपर की तरफ ये पटला है। अच्छा ये मिस्ट्री बना रखे हैं इन लोगों ने, चलो कोई बात नहीं, मिस्ट्री सॉल्व करने में अपन माहिर है, तोड़ते हैं इसको। चलो रास्ता खुल गया है, अभी चलते हैं नीचे। चलो द मार्क ट्रीज, जो ट्री मार्क करे थे उनके हिसाब से चलना है। ये तो हम दोबारा से घर के पास आ गए अपने, जहां से चले थे वहीं आ गए हम तो। चलो भाई अपने घर पे, होम स्वीट होम, क्योंकि बच्चा तैयार नहीं था तो हम लोग उसे आगे की तरफ लेके गए थे ताकि शिकार करवाएंगे, आज रात खाना खाएंगे, पर बच्चे ने गलती कर दी, वो अभी तैयार वैसे भी नहीं है, तो अभी उसको सीधा अंदर भेज दिया हम लोगों ने। और ये भाई पता नहीं अब क्या नया चीज करने वाला है, इससे भाई मैं दुखी, क्या करने की सोच रहे हो सर जी? ओ भाई अस्थियां सहराएंगे जाके पानी के अंदर। पाजी हमें तो दिखा दो क्या कर रहे हो भाई, उसको कुछ भी बोलो, उसका लुक एकदम जोड़ है, इसे देखते ना बंदा हक दे। गरम आग भी नहीं लग रही इसको भाई, राक्षस है एक तरीके का। चलो हम लोगों ने इसकी राख तो उठा ली है, अस्थियां हम लोगों ने उठा लिया है, अब इसको ना सहराना पड़ेगा जाके, जो होता नहीं है पानी में डाल देते हैं वैसे ही कुछ। चलो भाई बहुत डिप्रेशन में चला गया, भाई की वाइफ के साथ बहुत गलत हुआ है, और वो जो जिसने गलत करा है हमें उसको ढूंढना है। तो अभी ये बच्चा कहाँ चला गया, वे गेट बंद, अब बच्चे में बजाऊंगा बेल्ट है, देखो मजाक कर रहा हूँ भाई, मैं कुछ नहीं कर रहा, जो भी करेगा इसका पिता करेगा, ये जो आ रहा है बड़े हो गए ना ये भी इसके जैसा हो जाएगा। You lost control. That thing was trying to kill us. It's not like you don't get angry in a fight. तुमने आपा खो दिया था जब तुम्हें हिरन मिला था, और लड़का बोल रहा है कि मैंने हिरन को मारा था। I haven't been sick in a long time. I'm better now. ओहो Come on then. You want me to hate? बोलना मैं अपनी से अपने आप को दोबारा प्रूफ कर दूंगा। तो ये देखो इसकी try again. भाई एक बाप बाप होता है। Too slow. Try again. Cut it out. Weak again. Again. Stop it. Again. ये उसको टेस्ट करने के लिए था भाई। इसको फिर दोबारा से गुस्सा आ गया, मतलब ये बिल्कुल भी तैयार नहीं है अभी लड़ाई के लिए। ये बच्चा अभी इतना गुस्सा कर रहा है, जब ये किसी तगड़ी फाइट पे जाएगा, अगर ये इतने ही गुस्सा करेगा तो भाई कैसे चलेगा। वेट, ये आवाज कहां से आ रही है, कोई भूकंप आया है क्या? Quiet. कोई भूकंप आया, कोई तो आया है। ओह शिट, भाई no use hiding गेट नॉक हुआ भाई, कोई तो आया है। I know who you are. What's going on? Do you know him? कोई भी नहीं जानता कि बाहर कौन आया है। इस बच्चे को जाना होगा फ्लोर के नीचे, मतलब नीचे इसके अंदर कोई कमरा बना रखा है क्या? वेट, ओ तेरी, जल्दी जाओ, कोई तो दुश्मन आया है क्या? दुश्मन आया, दोस्त आया, कुछ भी नहीं पता भाई। बहुत तगड़ा सीन हो गया यहाँ पे तो। अब अपन चेक करते हैं जाके, अपन तो यार प्रो प्लेयर हैं, तुम्हें पता ही है कौन है बे। ये भूकंप लेके आया था क्या?
आराम से डोरी बजाता ना। चलो सूखा सा है अपने तो डोले है वे, इसको तो सुअर बना देंगे अपन। ये है कौन? Long way from home, aren't you? ये इसका कोई पुराना दुश्मन लग रहा है मेरे को तो। Oh, you already know the answer to that. कुछ छुपा रहा है ये टकला, कुछ तो छुपा रहा है, इसका कुछ बहुत बड़ा रहस्य है। You should move on. इसको जाने के लिए कह रहा है कि यहाँ से चला जा। And here I thought your kind was supposed to be so enlightened, so much better than us, so much smarter. ये पक्का पिट के जाएगा आज। And yet ये पक्का पिटेगा। You hide out here in the woods like a cow. ये भाई उसकी किल सारा है, टक लेगी हमारे। और तुम्हें पता है यार हमारे डोले बोले कितने ज्यादा हैं। पर ये कहा यार सूखा था, इसको तो बहुत ही मारेंगे हम गिरा गिरा के। आज इसकी बक्की सी नहीं भर देंगे। Pretty sure I do. भाई अब तो अकला इसको मार डालेगा जिंदा। अभी वार्निंग दे रहा है वो, अभी वार्निंग दे रहा है, मार नहीं रहा। भाई ये बंदा भी ढीठ है, बोला पहले मुझे मार दे और फिर तो देख लेंगे। ओ भाई इसने फिर मारा, फिर मारा, फिर मारा। भाई गंजा पागल हो गया अब, अब गंजा पागल, अब तो गंजा पागल हो गया। चलते घूसे में तो इसकी नाक वाक अंदर हो गई होगी भाई साहब। खतरनाक, खतरनाक। इसको क्या हो गया? पड़ी ना ये जो दो चार घूसे मार रहा था ना, एक घूसे में हमने इसका निपटारा कर दिया। बेटा आगे से ना बोल मत जाइयो, बॉडी देख पहले मेरी। अब तेरी पतला हुआ तो क्या हुआ, दम थी भाई बंदे में। सिक्सर मारा है सीधा, सिक्सर भाई। पिछले गांव से उड़ते हुए इस गांव में गिरे आके, अब यहाँ पर लड़ाई होने वाली है बहुत तगड़ी। पर हमारा गंजा ना भाई बहुत हराम है, इसको भी पता नहीं है। इसके अंदर इसके पास पावर है टेलीपोर्टेशन की। भाई खुद बुला रहा है कि मुझे मार। ओए बहुत, ओए मुझे फास्ट एंड फ्यूरियस का चाचा लग रहा है मुझे। नो, इसके अंदर भाई सुपर नेचुरल पावर है। नो चल तेरी वैस्कुलर टकले टकले तो हमें भी, हमें मारना है इसको। चल बहुत भाई, हमारे दुश्मन हमसे कई ज्यादा बहुत ज्यादा पावरफुल है ये। अब तो इसका सुअर बना दूंगा मेरे को यार, इसको लग भी तो नहीं रही। ये इसमें पावर बहुत ज्यादा है, ये देखो, ये देखो इसकी पावर, देख रहे हो तुम लोग? ओ फास्ट एंड फ्यूरियस में घोड़ा है। ओहो भाई बस कर, कितना मारेगा वे। पर मैं एक बात बता रहा हूँ, वो टकले को गुस्सा है ना, इसको फाड़ देगा पूरा। क्या देख रहे हो नीचे? उसको पता पड़ गई, उसके दुश्मन को पता पड़ गई यहाँ पे दो बेड क्यों पड़े हुए हैं। तू तो अकेला रहता हुआ टकले, टकले ने इसका सुअर बना दिया। ले तेरी, ले तेरी, ले तेरी, ले तेरी, ले ले और ले, और ले, और ले। भाई भाई कितना बुरी तरह ढूंढता है ये। इसका भी भाई तगड़ा ही घुसा पड़ता है। चल तेरी हॉस्पिटल, खत्म खत्म, मैटर इज ओवर। चल तेरी ले, उसकी हड्डियां टूट गई भाई। बहुत फास्ट है ये बंदा, सामने वाला बंदा बहुत ज्यादा फास्ट है। अभी तक हमने इसको जितना मारा, इसने एक बारी में हील कर लिया अपनी पूरी पावर। अब तो मरे हम भाई। ओहो वॉकिंग चल रही है यहाँ पे। हम गंजे को अंदर फंसा दिया इन लोगों ने, कोई बात नहीं। गंजे की पावर, पावर आ रही है, पावर आ रही है, पावर आ रही है, पावर आ रही है, पावर आ रही है गंजे के पास। और ले, और ले, ले। पूरा पेड़ ही खाट दिया एक घूसे में, पेड़ फाड़ दिया पूरा, पेड़ उखाड़ दिया। और ये भी बड़ा हरामी है भाई, कितना पिट लिया भाई, कितना पिट लिया, फिर भी नहीं शांत नहीं हो रहा। गंजे ने इसका सुअर बना दिया। चल तेरी, हमारे पास आग की पावर है और उसके पास ग्लेशियर की पावर है।
भाई गंजा भी पागल हो गया और सामने वाला बंदा भी पागल हो गया, वो हमें छू भी नहीं पा रहा भाई। खूब अब उसका एक शॉट लगा है, गंजा भाई पागल हो गया था भी। एक और शॉट अब ये गया, अब इसका मैटर या तो खत्म। बहुत पिट रहे हम, बहुत पिट रहे हम। एक्स का हमारी एक्स आ गई, अब तू गया बेटे। तो दोबारा से पावर, अपनी पावर ला था मैंने, शील्ड बजा दी इसके अंदर। चल बेटा तेरा मैटर खत्म, गया अब तो ये। बहुत पिटने वाला, ओ इसकी हड्डी टूट गई मुंह की। ले और ले और ले, तेरी भैंस के ले ले तेरी तेरी ले ले। ओ ये क्या हो रहा है, ये पत्थर गिरने तो नहीं वाला है कहीं? ओके अबे ये हाथ से पत्थर तोड़ देता है। फाइनली भाई, ये बंदा ये दुश्मन यार हमारे इतने पावरफुल क्यों होते हैं, मुझे तो आज तक ये समझ नहीं आता। चलो भाई टकले का तुम देख रहे हो यार, सब में खून ही खून हो गया, टकला पूरा पूरा खत्म हो गया एक तरीके से, ये मानो भाई लंगड़ा के चल रहा है, पूरी बॉडी उसकी मेरा हड्डी वड्डी टूट गई है इसके अंदर के, खून ही खून हो गया सब में। चलो घर की तरफ चलते हैं यार, थोड़ी ना बैंडेज वैंडेज कराएंगे अपने लौंडे से। ये क्या हुआ, दोबारा जिंदा हो गया क्या? ओ फक भाई साहब, दोबारा से जिंदा हो गया मारे। When Odin sent me here, I just needed answers, but Odin, Odin का नाम आ रहा है, तुम लोग देख रहे हो भाई, जमीन अलग कर दी दोनों ने। ये मुझे लग रहा है एस्गार्ड से तो नहीं आया, और का कोई दोस्त तो नहीं है भाई? दोनों के अंदर लड़ाई हो रही है, आज तो एक ही चीज होगी, या तो आर या पार, आर या पार। दोनों के दोनों बहुत ज्यादा गुस्से में, और ले टकले के सर पे मार दिया, टकला उड़ा दिया, ओ आसमान के ऊपर आ गया। ले तेरी, ले तेरी, ले ओ टकला गया। भाई साहब कितनी तगड़ी फाइट चल रही है यार इनके बीच में, मुझे लग रहा है अब ये ना ऊपर बैठा होगा, जैसे हम ऊपर चढ़ के जाएंगे और लात मार देगा हमारे, क्योंकि भाई पिक्चरों में तो हमने यही देखा है। भाई कितनी मेहनत करने पड़ रही है यार इसको, इसका वो पूरा खून में हो गया, हमारी तो यार बिल्कुल भी हेल्थ नहीं बची अब, मुझे लग रहा है हम मरने मर ही जाएंगे, हमें मार देगा आज। देखो जो बोली थी वो ही हुआ, मुझे पता थी ना ये लात मार देगा, पर इसने हम में नहीं मारी, पत्थर में मारी भाई, पूरा डैमेज हो चुके हम। अब क्या करेगा ये? वेट, ये क्या हो रहा है? वो हम भी ही हो सकते हैं? क्या बात है? भाई अब तो टकले के पास भी पावर्स आ गई हैं। अब इसका मैटर खत्म। आ बेटे आ, मैदान में आ तू। चल तेरी भैंस की टांग, ले तलवार खा। टांग गया, गायब हो गया। कहाँ पे पेड़ उखाड़ रहा है? आवाजें आ रही है, दिख नहीं रहा। चल चल अब तो भाई इसका सुपर, भाई इसकी पावर बहुत डेंजर है यार। चल तेरी, फिर गायब हो गया, फिर गायब हो गया भाई। ये लो दीवार ये फाड़ दे, तेज ये भागता है और भाई एक्सप्लोजन से देता है। लो भाई ने टकले को घड़ी कर दिया, और बता रहा हूँ अब की बार इसे मारूंगा ना तो धड़ से अलग कर दूंगा, जो जिंदा ना हो पाए दोबारा से। अमर हो क्या है पता नहीं क्या, कहाँ गया बे? अभी भी नहीं दिख रहा। चल चल तेरी भैंस क्या, इसकी हेल्थ बस थोड़ी सी और रह गई है। मुझे इसको मारते ही ना भगना पड़ता है, क्योंकि भाई दीवार फाड़ देता है, कहीं एक्सप्लोजन बम बम फाड़ता रहता है। अब देखो भाई पता नहीं कहाँ पे उड़ गया। चल बेटा अब तेरा मैटर खत्म, और हल्की सी लाइफ और रह गई, और इसको भाई 360 में घुमा के हमने मार दिया फट से। अब इसकी हल्की बहुत हेल्थ और रह गई है क्या? अभी हम नीचे ना गिरा दे कहीं। ले भाई टकले ने इसको पकड़ लिया, अब इसका गला दबा दिया, अब तो इसका ख़त्म कर देगा मैटर, अब तो इसका मैटर ख़त्म हो जाएगा। चल बेटा अबे तेरी फिर जिंदा हो गया, दोबारा अंटे में, दोबारा अंटे में। तेरी आखिरी की हड्डी रह गई, आखिरी की हड्डी, बस आखिरी की हड्डी है, कोई बात नहीं मार देंगे इसको, मार देंगे।
निकाल, हड्डी तोड़, इसकी हड्डी तोड़, हड्डी तोड़, हड्डी तोड़, हड्डी तोड़। मेरी भैंस की आंख, हड्डी तोड़ दी ना, हो गया खत्म मैटर इसका। चल निकल, हमसे पंगा, टकले से पंगा। बॉडी देखिए, पर भाई सुअर बना दिया, एक घंटे फाइट चली है पूरी है भाई, पूरा खून में हो रखे हैं यार हम। अब हमें हील होना पड़ेगा दोबारा से भाई। उस टाइम तो ऑटोमेटिक हील हो गए थे, पर मुझे पता है अब थोड़ी ऑटोमेटिक हील होंगे। अब भाई बहुत ज़्यादा दिक्कत में हम लोग, आगे का सफ़र और भी ज़्यादा खतरनाक रहने वाला है, क्योंकि अब दुश्मनों को पता पड़ गया कि हम लोग जिंदा हैं। स्टोरी के हिसाब से भाई उन्हें नहीं पता होना चाहिए था कि हम जिंदा हैं, क्योंकि भाई हम अपना सीधा साधा जीवन बिताने वाले थे। पर अभी मुझे लग रहा है कि भाई एक बहुत बड़े युद्ध का ऐलान हो चुका है, और अब आगे खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। अब तो भाई बच्चे को हमें ट्रेनिंग देनी ही पड़ेगी। ये भी बोल रहा भाई मेरा बच्चा अभी तैयार नहीं है, मैं कैसे क्या करूँगा भाई। और इतने ज़्यादा यार दुश्मनों की पावर तुम लोग सभी देख सकते हो यार, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है बेचारे की। चलो कोई बात नहीं यार, अभी के लिए ना ये गेम यहीं पे एंड करते हैं। और यार अभी वैसे ही बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो हो गई है, इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा नेक्स्ट सीरीज में। तब तक के लिए तुम लोग जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब जरूर से मार देना, एंड मिलते हैं नेक्स्ट गेम प्ले वीडियो में। गॉड ऑफ वॉर, बाय बाय।